2023 के महासंग्रांत की दिल्ली में कांग्रेस सीएसी की बैठक चल रही है और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बड़ा बयान दिया है। खेड़ा ने उम्मीद जताई है कि आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पवन खेड़ा ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि लिस्ट जो है उम्मीदवारों की जल्द जारी हो सकती है, जल्द मतलब आज ही जारी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए गए हैं उनके द्वारा। सीएसी की बैठक चल रही है और नामों पर मंथन जो है हो रहा है और ऐसी जो है खबरें आ रही थी लगातार कि पितृपक्ष के बाद जो है सूची जारी हो सकती है, पर अब इसी बीच पवन खेड़ा ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि आज इस मीटिंग के बाद लिस्ट जारी हो सकती है। आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश को लेकर आप लोग काफी होपफुल हैं, आज मीटिंग भी है, टिकट पर चर्चा होनी है, कब तक लिस्ट आएगी और क्या, अब मीटिंग अंदर हो रही है, देखते हैं कब तक खत्म होती है। उम्मीद है कि शाम तक लिस्ट आएगी, जो भी करना होगा हम करें। मध्य प्रदेश को लेकर आप लोग काफी होपफुल हैं, आज मीटिंग भी है, टिकट पर चर्चा होनी है, कब तक लिस्ट आएगी और क्या, अब मीटिंग अंदर हो रही है, देखते हैं कब तक खत्म होती है। उम्मीद है कि शाम तक लिस्ट आएगी, जो भी करना होगा। तो सीईसी की बैठक में एमपी पर मंथन लगातार जारी है, कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक हो रही है। बता दें आपको, बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है, सीईसी की बैठक लगातार जारी है, एमपी चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं, कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीईसी की बैठक हो रही है, लगभग 4 बजे यह बैठक की शुरुआत हुई थी, अब तक यह बैठक चल रही है और ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लंबी यह बैठक हो सकती है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद सूची जारी हो सकती है। अभी आपने सुना पवन खेड़ा को, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी चर्चा का दौर लगातार जारी है और उम्मीद है कि जल्द लिस्ट जारी होगी, यानी आज ही लिस्ट जारी होगी, ऐसा पवन खेड़ा का कहना था। ज्यादा क्या जानकारी है इसके लिए हमारे साथ सहयोगी अशरफ भी जुड़ गए हैं, अशरफ से बात करेंगे। अशरफ, सीईसी की बैठक लगातार जारी है, इसी बीच पवन खेड़ा ने बड़ा बयान भी दिया, उन्होंने कहा है कि चर्चा तो चल रही है पर ये संभावनाएं हैं कि आज ही सूची आ सकती है। हाँ बिल्कुल ऋतु, ये इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की हैं पवन खेड़ा ने और उम्मीद करते हैं कि जब ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो जाए और हो सकता है कि फिर देर रात को, क्योंकि अब 6 बज चुके हैं और 2 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका है सीईसी की बैठक को शुरू हुए, अभी भी बैठक जारी है और जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद फिर रात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि देर रात को अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तैयार हुआ, फैसला लेते हैं, तो देर रात तक आज शायद सूची जारी हो, जैसा पवन खेड़ा दावा कर रहे हैं, इस तरह की संभावना है। लेकिन जो दूसरी ओर जो दूसरे सूत्र हैं हमारे, वो इस बात से भी नहीं नकार रहे कि सूची जारी होने में थोड़ा समय भी लग सकता है, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है तो हो सकता है कि किन्हीं कारणों से ये सूची जारी करने का फैसला टल सकता है। लेकिन क्योंकि पवन खेड़ा हैं, एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, संचार विभाग के प्रमुख हैं, तो उनकी बात को बिल्कुल आप नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि काफ़ी संभावना है कि देर रात को सूची जारी की जाए, और अगर सूची जारी की जाएगी तो करीब करीब 100 सीटों के आसपास की ये सूची होगी जिसमें उम्मीदवारों के नाम होंगे, यानी कांग्रेस के चेहरा कौन होगा विधानसभा चुनाव में, वो तस्वीर साफ हो जाएगी। और उसी तस्वीर को साफ करने के लिए यहाँ करीब पिछले 2 घंटे से कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है और नामों पर चर्चा की जा रही है। वो नाम जो स्क्रीनिंग कमेटी ने सीईसी में रखे हैं, यानी स्क्रीनिंग कमेटी ने जिन नामों को छांटा है, जिन दावेदारों को छांटा है, उन दावेदारों के बारे में यहाँ और उन सीटों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति के में चर्चा की जाएगी। पूरा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो यहाँ बैठा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, कमलनाथ भी मौजूद हैं खुद, और राज्य के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो ये लोग सब चर्चा कर रहे हैं। अगर कहीं कुछ किसी नाम को लेकर, किसी सीट को लेकर, क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, अगर कहीं कुछ अड़चन नहीं होती है तो सूची आज रात को करीब 100 के आसपास जारी हो सकती है।
अगर जारी नहीं हुई तो फिर ये कयास जो सूत्र हमारे दावा कर रहे थे कि वो पितृपक्ष के बाद ही जारी होगी, लेकिन पवन खेड़ा ने जैसा दावा किया तो उस बात से ज़्यादा मजबूती के साथ हम लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस की सूची आज देर रात को जारी हो सकती है और पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। कांग्रेस अपनी पहली सूची मध्य प्रदेश को लेकर जारी करेगी और उससे साफ हो जाएगा कि उनकी रणनीति क्या है और वो किस तरह के चेहरे कौन कौन सी सीटों को लेकर गंभीर कौन कौन सी सीटों को लेकर पहले सूची में अपने साफ कर रहे हैं, चेहरे उतार रहे हैं, यानी किन सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को जारी कर रहे हैं सूची, कौन चेहरे होंगे। रितु जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ, जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बना रहे।